मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब लगातार और बढ़ सकती हैं। जी हां, आपको बता दें एक और मामले में मनीष सिसोदिया घिर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था, जिस पर अब कामरूप की CJM अदालत ने मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। उन्होंने 29 सितम्बर को पेश होने के लिए भी कह दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने सिसोदिया के खिलाफ 30 जून को कामरूप CJM कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि असम सरकार ने शर्मा की पत्नी की कंपनी से मार्केट रेट से कहीं अधिक कीमत पर PPE किट खरीदी थी। उन्होंने दावा किया था कि असम सरकार ने बाकी कंपनियों से 600 रुपए की PPE किट खरीदी थी, और जबकि शर्मा की पत्नी से ये किट 990 रुपए की खरीदी गई थी। मनीष सिसोदिया ने 4 जून को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक मानहानि का केस दायर किया था, जिसके बाद अब कामरूप की CJM अदालत ने मनीष सिसोदिया के 29 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।